हाँ जी आवाज आ रही है सभी को, आवाज आ रही है? सो फाइनली जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए डेली आपको साइंस क्लास में गुड आफ्टरनून बोलते थे, लेकिन आज आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। और इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। आज साइंस का जो ये मॉक टेस्ट क्लास है, इसको आज इतना सुबह लेके आने का मैं बताऊंगा आपको कारण। तो फटाफट एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर कर दीजिए। फटाफट सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही 20+ कैंडिडेट क्लास पे होंगे, हम लोग जो है इस हमारे नए मॉक टेस्ट को साइंस के शुरू कर देंगे। और बहुत ही टॉप लेवल के जो है क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी बेहतर होते चले। ठीक है, तो क्लास में साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, जीके भी करेंगे, सब कुछ करने वाले हैं। तो फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम पे बेस्ड है, तो एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। चलिए फटाफट सभी लोग आ जाइएगा हमारे साइंस के इस नए मॉक टेस्ट पे। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को हमारे इस मॉक टेस्ट का आप सभी के स्क्रीन पे दिया गया है। ठीक है, अब एक चीज बता देता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लास इतनी सुबह क्यों आया, क्योंकि देखो मैंने टेलीग्राम पे कल रात में ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि आज मुझे जो है 1 बजे से कहीं जाना था, दोपहर 1 बजे से। ठीक है, कहीं कुछ जरूरी काम से जाना था, इसलिए आज क्लास को मैं थोड़ा सुबह मैंने बोला था कि 11:30 बजे से मैं क्लास लगाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट चलिए अब इसका आंसर बताइए। बाकी तो आप लोगों का प्यार है और क्या चाहिए। ठीक है, और महापीडीएफ 2.2 का इंतजार करिए, जब आएगा 20 तारीख को तो वो उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, कब आएगा उसका वीडियो, कब जो है वो लॉन्च किया जाएगा, कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है, क्या कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, एक बात बताओ कमर्शियल यूनिट क्या होता है? कमर्शियल यूनिट मतलब जैसे जो गवर्नमेंट आपको वो दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, तो उसका कौन से यूनिट के हिसाब से पैसा लेती है? किस मतलब कौन से कमर्शियल यूनिट के हिसाब से पैसा लेती है, सॉरी बताइए। तो क्या होता है, यूनिट के हिसाब से लेती है ना, कि 6 रुपए या 7 रुपए या 8 रुपए यूनिट। जैसे शहरों में 4 रुपए यूनिट, गांव में 4 रुपए यूनिट चलता है, शहरों में जो है आपका क्या बोलते हैं 8 रुपए यूनिट चलता है। तो यूनिट, 1 यूनिट बराबर कितना होता है जी कमर्शियल में? 1 यूनिट बराबर होता है 1 kWh, किलोवाट घंटा। समझ में आ गया? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, यानी कमर्शियल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का? किलोवाट घंटा है, किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर कितना होता है, देखो 1000 वाट बराबर 1000 वाट। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक है, 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, ये आपका हो गया। चले, द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स डिपेंड मेनली ऑन, कह रहा है कि वो टेम्परेचर जिस पर पानी उबलता है, ठीक है, वो टेम्परेचर मेनली किस पे डिपेंड होता है? हवा के दाब पे, या स्पेसिफिक हीट पे, या डेंसिटी पे, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे, मतलब सापेक्ष आर्द्रता, मतलब जैसा जो है ह्यूमिडिटी रहेगा, आर्द्रता जैसी रहेगी, उस हिसाब से मतलब जो इसका टेम्परेचर है वो शिफ्ट होता रहेगा। बताइए क्या होगा सही, गलत मत करना, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। एयर प्रेशर पे ये टेम्परेचर डिपेंड करता है, वाटर बॉइलिंग का, स्पेसिफिक हीट पे या डेंसिटी पे? जल्दी बताओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गलत, जब तक सभी लोग सही नहीं बताओगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। बताइए, देखो एक चीज बता देता हूं, जो ये आपका टेम्परेचर है वाटर बॉइलिंग का, ठीक है, ये आपके हवा के प्रेशर के साथ बढ़ता है और हवा के प्रेशर के साथ घटता है। प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग टेम्परेचर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा, टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल डिपेंड मेनली ऑन, एयर प्रेशर पर यह डिपेंड करता है। डी वाले बहुत मार मारूंगा, एयर प्रेशर पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक हीट वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, एयर प्रेशर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, हवा का जो प्रेशर उस समय। अब एक बात बताओ कैसे, एक बात बताओ, जब पहाड़ वगैरह पे जाते हो तो दाल वगैरह जल्दी, मतलब पानी लेट से कैसे, मतलब खाना लेट से पकता है, ऐसा क्यों होता है हमको बताओ, है ये थ्योरी पढ़े हो कि नहीं, कि जब थोड़ा हम लोग ऊंचे स्थान पे जाते हैं तो पानी वगैरह गर्म करो या खाना बनाओ थोड़ा लेट से पकता है, क्योंकि वहां पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, एयर का प्रेशर बढ़ता है,
ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, समझ गए, हवा का दाब प्रेशर जो है क्या होता है, बढ़ता है ना हाइट पे, एक हाइट पे जाकर के क्या दाब बढ़ता है, और जब दाब बढ़ेगा तो क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जो है लेट से पकता है। अब समझ, थ्योरी समझ में आ गया, ये पहले बताओ समझ में आ गया तब आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो गलत कर दोगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, स्पेसिफिक हीट पे नहीं बाबू, बताइए, पहले जब कहोगे कि हाँ सर समझ में आ गया फिर आगे बढ़ूंगा, बताइए जल्दी कमेंट करिए। देखो जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देखो जब प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, सॉरी प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, समझ में आ गया ना। जैसे मान लो जब हम लोग जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो एयर का प्रेशर क्या होता है वहां पे, बताइए प्रेशर बढ़ जाता है, एयर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जब एयर प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, तो प्रेशर जब ज्यादा होता है तो क्या होता है बताइए, प्रेशर कुकर में तो खाना जल्दी बन जाता है, तो वो दूसरा चीज है, ये प्रेशर दूसरा है, ठीक है, वो जो प्रेशर होता है वो स्पेसिफिक हीट में वो होता है, ठीक है। चलो क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, जल्दी बताओ, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, गलत मत करना, बताइए, एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जल्दी बताओ, जो एनर्जी स्टोर्ड होती है न्यूक्लियस में किसी एटम के, परमाणु के नाभिक में संचित ऊर्जा क्या कहलाती है, न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, गलत मत करना, बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, न्यूक्लियर एनर्जी होता है ना, बिल्कुल सही जवाब, अरे सी वालों बहुत मारूंगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी इसी को बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, क्या होता है, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ दिस लिक्विड हैज द हाईएस्ट विस्कोसिटी, अरे जबरदस्त क्वेश्चन है, विस्कोसिटी समझ लेना, एग्जाम में पूछता है क्या होता है विस्कोसिटी, समझ लोगे तब कर लोगे, इनमें से विस्कोसिटी सबसे हाईएस्ट किसका होगा, देखो विस्कोसिटी होता क्या है, किसी भी फ्लूइड का जो विस्कोसिटी होता है वो उसका रेजिस्टेंस का मेजर होता है, रेजिस्टेंस मेजर मतलब किसी चीज को बहने से रोकना, जैसे इलेक्ट्रिक का आपका सर्किट के अंदर जैसे रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है, ठीक, वैसे ही यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस की बात हो रही है, कि किसी भी फ्लूइड का जो है रेजिस्टेंस मेजर करना ही उस लिक्विड का विस्कोसिटी होता है। अब समझ में आ गया, मतलब देखो अगर ये सीधी सी बात है कि ये जो विस्कोसिटी है ये किसको फॉलो करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ थिकनेस, मतलब जो फ्लूइड होता है या लिक्विड कह लो, लिक्विड के कंसेप्ट ऑफ थिकनेस पे, जो जितना मतलब थिकनेस जिस चीज में ज्यादा रहेगी जिस लिक्विड में, वो कम फ्लो होगा, ठीक है, धीरे फ्लो होगा, मतलब रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा होगा, समझ रहे हो, और जो लिक्विड मतलब ज्यादा पतला होगा, ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, थिकनेस कम होगा, वो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, वो ज्यादा फ्लो होगा। तो बताओ इनमें से सबसे अधिक जो है विस्कोसिटी किसकी होगी, मतलब रेजिस्टेंस सबसे अधिक किसका होगा, सिरप का है कि नहीं, सिरप का भी डाल के देखना, ठीक है, सिरप का ज्यादा होगा, दूध नहीं, पाइनएप्पल जूस नहीं, पानी नहीं, जबकि सिरप का ज्यादा होगा विस्कोसिटी, ठीक है, समझ में आ गया, मतलब थिकनेस ज्यादा होता है दूध, पाइनएप्पल जूस और वाटर के मुकाबले, जो सिरप की थिकनेस होती है, जो कोई भी सिरप खांसी से लेकर के किसी भी प्रकार की जो दवा की सिरप आती है उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, थिकनेस ज्यादा होगी मतलब कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, लिक्विड ये फ्लूइड रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिसिटी वाला मत समझ लेना। चलो द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जबरदस्त क्वेश्चन है, गलत मत करना, बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, बताइए स्पीड ऑफ साउंड इन 0 डिग्री सेल्सियस इन एयर, जल्दी बताइए, गलत मत करना, देखो
एक चीज बता देता हूं, बताओ गलत मत करना। तीन सौ इकतीस मीटर पर सेकेंड होता है नॉर्मल, 332 जीरो पे 331 और 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर पूछता है, ठीक है, तो 343-344 बताया जाता है, 343-344, ठीक है, ये होता है। ये ड्राई एयर में बता रहा हूं, जब मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस पे जब हवा एकदम रूखी होती है, ठीक है, ड्राई एयर में जीरो डिग्री सेल्सियस पे 331 मीटर पर सेकेंड इसका जो है स्पीड ऑफ एयर होता है, याद रखिएगा, साउंड स्पीड ऑफ साउंड होता है एयर में, ठीक है, जीरो डिग्री सेल्सियस पे। अब 25 डिग्री सेल्सियस पे जब कभी भी पूछे, मतलब दिया गया हो, अगर ऑप्शन में 343 देता है, 331-32 नहीं दिया है, ये समझ लो कहीं ना कहीं वो 25 डिग्री सेल्सियस पे साउंड ऑफ स्पीड पूछ रहा है एयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कह रहा व्हाट इज द हीट जनरेटेड, ध्यान से देखना, गलत मत करना ये क्वेश्चन, कह रहा व्हाट इज द हीट जनरेटेड इन जूल इन एन हीटिंग एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 900 का, ये आपका 900 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट 0.3 एम्पियर का है और ये पास हो रहा है 10 सेकंड के लिए, कोई हीटिंग एलिमेंट में कितना हीट जनरेट हो रहा है ये आपको बताना है, कैलकुलेट करिए। कह रहा कि टोटल कितना हीट जनरेट होगा जूल में पूछा है, ठीक है, जब वो रेजिस्टर देखो करंट 0.3 एम्पियर का पास हो रहा है, ठीक है, 10 सेकंड के लिए, लेकिन रेजिस्टेंस अधिक है 900 का, जो आप देख सकते हो रेजिस्टेंस कितना है, 900 ओम का रेजिस्टेंस है, कैलकुलेट करिए। यानी इलेक्ट्रिक हीट का हीटिंग का जो है फार्मूला क्या होता है बताइए, कौन कौन बताएगा, हीट का फार्मूला क्या होता है जी, हीट का मैं फार्मूला बता देता हूँ, हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये आपका फार्मूला है, बताइए यही फार्मूला है, इसी फार्मूले पे लगाओ तो जरा देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। देखो हीट बराबर ये इलेक्ट्रिक करंट जो आपका पास हो रहा है उसका स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस जनरेटेड और ये टाइम है आपका, इस पर लगाओ कितना होगा, बराबर आई का स्क्वायर करोगे, आई कितना है 0.3 है, तो कितना होगा 0.09 आपका क्या हो जाएगा जब इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, 0.3 का जब स्क्वायर करोगे तो 0.09 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना है 900 इंटू टाइम कितना है 10 सेकेंड, इसको कैलकुलेट करो टोटल कितना निकल जाएगा, गलत मत करना, कितना होगा 810 जूल, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट ने बी बताया है 810 जूल जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अरे बताइए समझ में आ गया, 810 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम इज, ये बताना है आपको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गलत मत करना। कह रहा है कि जो सेकेंड पेंडुलम होता है, सेकेंड का मैं बता रहा हूं, सेकेंड पेंडुलम टाइमिंग के हिसाब से सेकेंड पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड बताना है, आवर्धक काल उसका क्या होता है, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0 सेकेंड, कितना होता है जी। देखो जो पेंडुलम होता है एक बार इधर जाता है एक बार इधर आता है, तो ये दोनों तरफ का नहीं पूछ रहा है, सिर्फ एक तरफ का, कभी भी जब तुमको टाइम पीरियड पूछे ना पेंडुलम का, दोनों तरफ का मत बताना मेरे भाई, ठीक है, कभी भी जब वो टाइम पीरियड पूछता है पेंडुलम का तो दोनों तरफ का मत बताना, या एक तरफ का पहले जब पता रहेगा तभी तो दोनों तरफ का कर पाओगे, दोनों तरफ का बताइए क्या होगा, दोनों तरफ का कैलकुलेट करके बताओ, मैं दोनों तरफ का अगर आपसे पूछ लूं तो छोड़ो, मैं एक तरफ का नहीं, पूरा टाइम पेंडुलम बताओ, एक जो पूरा एक राउंड वो कंप्लीट करेगा, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा, तब जाके उसका एक राउंड कंप्लीट होगा, एक बार यहां स्थिर है तो इधर जाएगा, ठीक है, फिर यहां आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, कितना होता है टाइम पेंडुलम, नहीं एक एक तरफ जाने के लिए 1 सेकंड का, ठीक है, और एक तरफ जाने का 1 सेकंड, यानी 2 सेकंड का इसका टाइम पेंडुलम होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है आपका 2 सेकंड का होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, गलत मत करना, ठीक है। एक डायरेक्शन में स्विंग होने के लिए 1 सेकंड का समय लेता है, ठीक है, इन वन डायरेक्शन, प्रत्येक एक डायरेक्शन में स्विंग होने के लिए 1 सेकंड, दूसरे डायरेक्शन में स्विंग होने के लिए 1 सेकंड, ठीक है, यानी टोटल टाइम टेकन 2 सेकंड। चलिए एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जरा सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से रिक्वेस्ट है एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। देखो एक चीज मैं बता देता हूं, मैंने अब तक जितना भी मैंने साइंस आपको करवाया है ना, 60-70% साइंस तो उसी में फंस चुका है, ये समझ लो आपका, ठीक है, 60-70% मैंने इसमें कर दिया, बाकी मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, मॉक पीडीएफ लेके एक बार 2.0 रिविजन कर लेना, पढ़ लेना,
100% आपका साइंस का काम हो जाएगा, 10x10 करके आओगे। और देखो सिर्फ मैं थ्योरी ही नहीं करा रहा हूँ आपको, डेली 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो है 15 ही क्वेश्चन में, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी मिल जाता है, ताकि आपकी तैयारी जो है सही हो सके। ठीक है चलो, क्या विच मेजर मेजरमेंट डिपेंड अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, फटाफट बताइए, गलत मत करेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, गलत मत करना। पेंडुलम का फार्मूला वगैरह नहीं पूछता है यार, मैं उस पर पेंडुलम वगैरह पे वो नहीं आता है, थ्योरी बेस्ड वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है पेंडुलम पे। ठीक है, वैसे पेंडुलम का फार्मूला होता है टी बराबर 2, ध्यान से सुनना, 2π, ठीक है, अंडर रूट एल अपान जी, यही होता है इसका फार्मूला, लेकिन ये सब नहीं पूछता है। ठीक है, ये सब नहीं पूछता, तो इसके बारे में क्यों परेशान हो रहा है, ये सब नहीं पूछता है। ठीक है, याद रखना, इसके न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, बस वो आवर्धक काल पूछ लेता है टाइमिंग कितनी होती है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करो, विच मेजरमेंट डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, मास वेट हाइट और ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इतना शानदार क्वेश्चन है कि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर लोगे। इनमें से कौन सा मेजरमेंट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है, बताइए। बहुत मार मारूंगा, जितने लोग मास कह रहे हैं ना, अरे यार कितनी बार मैं पढ़ा चुका हूं, मैं एक बार नहीं 10 बार मैं पढ़ा चुका कि मास का कोई भी संबंध नहीं होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। में इतना मार मार दूंगा किसी दिन जो है कि समझ में आ जाएगा। सुबह सुबह जो है क्लास में एकदम लग रहा कि सो के उठ के बैठ गए हो। कितनी बार बोलूं, कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में मास का कनेक्शन मत जोड़ना। ठीक है, कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में, ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे काम ही नहीं करता। मास होता क्या भाई, द्रव्यमान होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, जीरो ग्रेविटी के अंदर भी उसका जो द्रव्यमान है वो तो रहेगा ही भाई, कितना भी ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी हो या ग्रेविटी हाई हो, ठीक है, कितना भी ग्रेविटी हो मास हमेशा सेम रहेगा। अब जिस चीज का वो मिल के बना है वो थोड़ी खत्म हो जाएगा, सिर्फ उसका वेट कम होता है, वेटलेस फील होता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, वेट बराबर, वेट का फार्मूला बताओ जी, वेट का फार्मूला बताओ, कैसे कैसे रिलेटेड होता है वेट, फार्मूला कौन बताएगा, अभी सब क्लियर हो जाएगा, अभी सब दिमाग से क्लियर हो जाएगा, बताओ वेट का फार्मूला बताओ, जल्दी जल्दी बताओ वेट का फार्मूला बताओ, देखिए देखिए कितने लोगों को पता है। बिल्कुल सही जवाब, एक केमिस्ट्री विजार्ड ने बिल्कुल सही बताया, वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। अब एक बात बता, जब वेट जब डिपेंड कर रहा है तो वेट मास पे भी डिपेंड करता है और ग्रेविटी पर भी। ठीक है, तो इसका ग्रेविटी कहीं ना कहीं मुख्य हो जाता है, मास तो मास कभी नहीं चेंज होता है, तो वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटी, तो वो जिस चीज का वस्तु बना है वो थोड़ी खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये याद रखना, ये मास है और ये ग्रेविटी है, वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, याद रखना वेट का। इफ वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट देन एक्सीलरेशन इज व्हाट, ओहो जबरदस्त क्वेश्चन है, गलत मत करना, कह रहे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कर लोगे, अगर फार्मूला अगर आपको एक्सीलरेशन का पता होगा तो कर लोगे। एक मिनट रुक जाओ, कह रहा कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब स्थिर है, चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गलत मत करना। केमिस्ट्री विजार्ड कैसे इंक्रीज होगा जरा हमको भी बता दो, तो थोड़ा पढ़ाई कर रहा, थोड़ा ध्यान से करो यार, तुम कभी कभी आप लोग भी गलत कर दे, तो ध्यान से सुनो, फार्मूला क्या होता है, वी माइनस यू अपान टी, एक्सीलरेशन का फार्मूला, यानी ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वी टू माइनस वी, इसको यू वन कर दो, छोड़ो इसको यू वन, ऐसे मैंने वो लिख ही दिया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, अपन टाइम। अब एक बात बताओ, एक्सीलरेशन का, ये एक्सीलरेशन का फार्मूला है, तो कहीं ना कहीं एक्सीलरेशन तब डिपेंड करता है, वेलोसिटी जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिपेंड कर रही है एक्सीलरेशन पे, तो अगर जब एक्सीलरेशन चेंज होगा, मतलब सॉरी, जब वेलोसिटी चेंज होगा तभी तो एक्सीलरेशन होगा बाबू, जब वेलोसिटी चेंज होगा ही नहीं, कांस्टेंट है भाई, जिस वेलोसिटी के साथ उसने शुरुआत की थी उसी वेलोसिटी के साथ एंड कर रहा है, तो एक्सीलरेशन होगा कहां से, है कि नहीं, त्वरण होगा कहां से, तो एक्सीलरेशन उस कंडीशन में जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया,
जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन आपके क्या है चेंज होते हैं, और जब उस कंडीशन में जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सारी चीजें कांस्टेंट है ना, ठीक है, तो क्या होगा जीरो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। डिप्थ ऑफ ओशन इज मेजर्ड, समुद्र की गहराई किसे मापते हैं जी, एनीमोमीटर, एरोमीटर, सेसिमोमीटर, फैदोमीटर, करा चुका हूं गलत मत करना, बताओ। एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, क्लास में लाइक्स वो भाई साहब 13 लाइक, क्या बात है, क्लास में 13 लाइक्स हैं, अरे भाई 17 लाइक्स, आज क्लास पे लाइक्स ही नहीं है, 17 लाइक्स आज क्लास पे पड़ा हुआ है, एक बार क्लास को लाइक करो भाई, क्लास को लाइक कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं, फैदोमीटर याद रखिएगा, फैदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, अल्फा बीटा बताओ, गामा रेडिएशन या यू हैव दिस ऑल हैव दिस सेम पेनिट्रेशन पावर, सबसे अधिक पेनिट्रेशन पावर किसका होता है जी, गलत मत करना, सबसे अधिक पेनिट्रेशन पावर कितना होता है, किसका होता है बताइए, एरोमीटर नहीं होता, फैदोमीटर होता है। ड्रीम कह रहे हैं सर प्लीज सुन लो, बताओ क्या कह रहे हो, बताओ एक बार कमेंट करो, ड्रीम बताइए क्या कह रहे हो, जल्दी बताओ, बिल्कुल सही जवाब, गामा रेडिएशन का याद रखिएगा, पेनिट्रेशन पावर सबसे हाईएस्ट होता है, अरे बिल्कुल सही जवाब, एग्जाम में ये पूछा गया भाई, एग्जाम में पूछा गया, गलत मत करना, गामा रेडिएशन का पेनिट्रेशन पावर सबसे हाईएस्ट होता है। चलो ये फटाफट सॉल्व करो, तो थोड़ा दिमाग लगा के करना और फटाफट के अंदाज में करना। कह रहा कि एक 4 kg का ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है हॉरिजेंटली एट ए स्पीड ऑफ 5 meters per second के, ठीक है, उसके बाद टू इंक्रीज इस स्पीड, इसका स्पीड हमें बढ़ाना है 10 meters per second के हिसाब से, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क कितना करना पड़ेगा काम करने के लिए, बताओ गलत मत करना। कितना टोटल काम पूछ रहा है, मतलब देखो एक चीज बताए, कुछ भी दिया हो आपका, एक तो पहले ऑब्जेक्ट का वेट दे दिया है, ठीक है, दूसरी चीज ये है कि उसका पहला आपका जो है वो दिया है, क्या दिया है, वेलोसिटी दे दिया है, और दूसरा आपका दे दिया है वेलोसिटी दे दिया है, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा काम, मतलब कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर के ये क्वेश्चन सिर्फ यही पूछ रहा है कि पूरा काम कितना हो रहा है, करो देखें कितने लोग करते हैं सही, गलत मत करना। देखो यहाँ पे वर्क एनर्जी, अगर थ्योरम देखें, वर्क एनर्जी थ्योरम पे, ये थ्योरम पे है ये क्वेश्चन, टोटल एनर्जी, टोटल वर्क पूछ रहा है, टोटल वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये जो चेंज हो रहा है देखो, क्योंकि इसका आपका वो भी है, ठीक है, मास भी है और वेलोसिटी भी दिया गया है, तो टोटल कहीं ना कहीं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टोटल वर्क यही होगा ना, पहले जो पहला आपका ये वो था, ये 5 meters per second के हिसाब से चला, फिर इसका स्पीड बढ़ा 10 meters per second, या वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कितना होता है, चलो फटाफट करते हैं, फटाफट आ जाओ, गलत मत करना, ठीक है, फटाफट शुरुआत करते हैं, फार्मूला लिखते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये हमको वर्क निकालना है, टोटल वर्क, ठीक है, तो चलो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल वर्क हो जाएगा, तो हाफ मास सेम है, ठीक है। अब वेलोसिटी देखो, यहां से ध्यान देना, वी स्क्वायर, एक बात बताओ, हम इनिशियल वाले को यू मान ले तब तक के लिए वेलोसिटी को, जैसे एक्सेलरेशन के फार्मूला में यू मानते हैं ना इनिशियल वाले को, ठीक है, वैसे यहां पे यू मान लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, समझ में आ गया, टोटल चेंज यहां से पता चल जाएगा। अब रखो बराबर, हाफ मास कितना है 4 kg का, अब यहां पे सॉल्व करो, बताओ बताइए फटाफट बताइए, अब वी कितना है, 10 का स्क्वायर कर दो माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, बराबर ये कट कर दो ना यहां से 2 × 4, तो यहां पे 2 × 10 × 100 माइनस 5 × 5 = 25, अब सॉल्व करो, बराबर 2 × 75 कितना हो जाएगा, बराबर कितना निकलेगा जी, जूल में निकालना है, काम किसमें होगा, काइनेटिक एनर्जी है ना, एनर्जी है ना, तो जूल में पता करना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टोटल आपका वर्क हो गया, कितना हो गया 150 जूल हो गया, समझ में आ गया, कितना आसान था, समझ में आया कि मैंने क्या कहा था, देखो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दो दो बार वेलोसिटी दिया है ना और मास दिया है, तो कहीं ना कहीं ये वर्क एनर्जी थ्योरम पे चला गया, ठीक है,
तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो रहा है टोटल, वही निकाल दो, तुम्हारा टोटल वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। तो एक तो आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया गया और फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दोगे तो क्रॉस कट करोगे 10 × 100 और 5 × 5 = 2500 − 25 = 75 × 75 = 150 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। कह रहा है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी इज कॉल्ड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गलत मत करना। कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, लूसीमीटर, ट्रायोमीटर, साइनोमीटर, बैरोमीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लाइट इंटेंसिटी, गलत मत करना, फटाफट बताइए। वैसे देखो जो अभी क्या है ना, न्यूमेरिकल बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, कि आपको ये ना लगे कि तैयारी में कहीं कमी रह गया है, ठीक है, बोथ लैंग्वेज में होता है बाबू पेपर, ठीक है, पेपर बोथ लैंग्वेज में होता है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, आप बस ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए क्या है कि मैं न्यूमेरिकल करा देता हूँ, कि मतलब आपको ये ना लगे कि तैयारी में कहीं कमी रह गई है। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत कम आता है यार, एक से मतलब अगर आ जाएगा ना, 1 से 2 कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, बाकी तो मतलब थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, और जो करा रहा हूँ यही सब आएगा, और कुछ भी अलग नहीं आएगा। सेक्शन 1 आपका साइंस क्लियर है, 10 नंबर तो, और जीके 5 नंबर, 15 नंबर तो रखा हुआ है। ठीक है, जीके यहाँ से स्टैटिक कर लो जो करा रहा हूँ, और करंट अफेयर्स वहां पीडीएफ से पढ़ लेना 2.0 से। कैंडेला, अबे गधे कहीं के, RSYT वेरियर, मैं लाइट इंटेंसिटी पूछ रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट मैं पूछ रहा हूँ इसको मेजर करने का, या SI यूनिट नहीं पूछ रहा हूँ। है क्या होगा, लूसीमीटर होता है, क्या होता है, लूसीमीटर। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अरे साइनोमीटर क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ, कितने लोग गलत किए हो, देखना चाहता हूँ क्यों गलत किए हो, कंफर्म करो एक बार पहले, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सब गलत किए हो, कितने लोग गलत किए हो, साइनोमीटर होगा या लूसीमीटर होगा, बताओ। अरे यार गलत कर दिए, बताइए, फोटोमीटर कहो या लूसीमीटर। ठीक है, फोटोमीटर का भी इस्तेमाल होता है, और लूसीमीटर, साइनोमीटर नहीं है यार, लूसीमीटर होता है। ठीक है, गलत कर दिए, चलो क्या कह रहे हैं, एक कैंडिडेट है, इसका आंसर कैंडेला होना चाहिए बट ऑप्शन में नहीं है। अरे भाई इंस्ट्रूमेंट मैंने पूछा है, SI यूनिट नहीं। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेजर्ड बाई, बताओ कि विद्युत चुंबक की शक्ति को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द क्वाइल्ड वायर, इंक्रीजिंग द करंट सप्लाई, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, या ऑल ऑफ द अबव। अरे जबरदस्त क्वेश्चन, कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगा जी, बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब समझ रहे हो ना। अरे भाई दोस्त एक बात बताओ, जो तुम्हारा डायनमो है, डायनमो के अंदर जो क्वाइल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे ही बेस्ड होता है भाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में थोड़ा और स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ठीक है, तो क्वाइल का लेंथ, क्वाइल का जो वायर है उसका लेंथ बढ़ाओगे या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, यही दोनों में से कोई एक होगा, बताओ, गलत नहीं होना चाहिए, ये सब होगा बाबू डी वाला। देखो पहले तो आपको लेंथ बढ़ाना पड़ेगा क्वाइल का, जब लेंथ बढ़ाओगे क्वाइल वायर का तभी तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे। ठीक है, और करंट सप्लाई भी अधिक करना पड़ेगा तब जाके वो एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, चलो, इफ यू लुक इनटू ए मिरर एंड फाइंड दैट इमेज इज स्मॉलर देन यू देन, ये तो महा पीडीएफ का क्वेश्चन है यार, अभी जस्ट इंक्लूड किया हूं 2 दिन पहले। ठीक है, महा पीडीएफ तैयार हो चुका है, बताओ फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ यू लुक इनटू ए मिरर, अगर आप किसी शीशे में देखते हो, ठीक है, और जो इमेज बनता है आपका रिफ्लेक्शन जो है वो आपसे छोटा है, तो वो इमेज किस तरह का है, कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, प्लेनो कनकेव मिरर है, या प्लेन मिरर है, गलत मत करना। गलत मत करो, अरे प्लेन मिरर नहीं होगा यार, वैक गलत कर रहे हो, कन्वेक्स मिरर होगा भाई, लीनियर मैग्निफिकेशन इसका कम हो जाता है, क्या होगा, कन्वेक्स मिरर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, गलत मत करो, बताओ, कन्वेक्स मिरर बी वाले जितने भी लोगों, कन्वेक्स जितने भी लोगों ने बोला है बिल्कुल सही है, इसका क्या हो जाता है, लीनियर जो आपका मैग्निफिकेशन होता है इसका वो कम हो जाता है। चलो कह रहा है द ओल्ड एलिवल सॉइल ऑफ गैंगेटिक सॉइल, गैंगेटिक प्लेन्स, ये यहां से जीके शुरू हो गया। देखो एक चीज मैं बता देता हूं,
ये क्वेश्चन जो है गंगा के किनारे की जो मिट्टियां, दो प्रकार की मिट्टियां होती हैं, ये हमेशा पूछता है, ठीक है। और मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि जैसे मान लो कि जो पुरानी एलुबल सॉइल कैसे होगी, क्योंकि जो गंगा के किनारे की जो पुरानी जो मिट्टी होगी वो कहीं ना कहीं इससे थोड़ी दूर होगी, ठीक है, जो प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ के कारण धूल नहीं पाती है। जो एक मिट्टी होती है जो गंगा के किनारे की होती है, जो प्रत्येक वर्ष धूल जाती है, उसको क्या बोलते हैं? और जो दूर की होती है, जो ओल्ड होती है, पुरानी होती है, उसको क्या बोलते हैं, बताओ? देखो जो ये नए वाली है ना, जो ये नए वाली है, बताओ, जो नए वाली होती है इसको खादर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, जो हमेशा जिसका हर साल नवीनीकरण हो जाता है। रेगुड़ नहीं यार, मैं एलुवियल सॉइल का ये प्रकार पूछ रहा हूँ गंगा के किनारे का, ठीक है, गैंगेटिक मतलब नदियों के किनारे का, ठीक है। तो जो ये होता है, ध्यान से सुन लेना, जो ये इसके किनारे जिसका नवीनीकरण हर साल हो जाता है वो खादर होता है, और जिसका नवीनीकरण हर साल नहीं हो पाता है, मतलब बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, वो बांगर होता है, ठीक है। खादर और बांगर ये एग्जाम में पूछता है, गलत मत करना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओल्ड वाला बांगर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ दो, चलो। द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ रेड सॉइल फाउंड इन इंडिया, कह रहा कि लाल मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार जो है भारत में किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, कहां पे जी बताओ? अरे लाल मिट्टी मैं पढ़ा चुका हूं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु साइड में जो है सबसे अधिक रेड सॉइल पाया जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे अधिक जो है रेड सॉइल पाया जाता है, सी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अभी पता नहीं ये पूछा था सॉइल का, मैं बता रहा हूँ, पता नहीं किस मिट्टी का पूछा था, याद नहीं आ रहा है, एलुवियल की पता नहीं किसका पूछा था, उसका प्रीवियस एग्जाम में था, एलुवियल सॉइल की पता नहीं किसका था, जो महाराष्ट्र में, एक तो ऑप्शन उसमें महाराष्ट्र था, दो राज्य एक साथ थे, ठीक है, महाराष्ट्र और पता नहीं कौन सा राज्य, दो राज्य करके एक साथ थे, वहां पे उस मिट्टी की जो है अधिकता पाई जाती है, ऐसे करके पूछा हुआ था, तो एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ठीक है। चलो, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, अरे जबरदस्त क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको मानते हैं? नॉर्मन एर्नेस्ट बर्लॉग, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जे एस थॉम्सन, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, बताइए जल्दी। कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, गलत मत करिएगा। कौन है जी? एमएस स्वामीनाथन, अरे जबरदस्त। अच्छा एक चीज देखो, अभी काफी लोग का आज यूपी टेट का पेपर चल रहा है इस समय, कल भी था आज भी है, यूपी टेट का पेपर चल रहा है ना इस समय, तो यूपी वाले टेट का पेपर तो आपने जरूर फॉर्म जरूर डाला होगा, तो यूपी टेट का पेपर बढ़िया से दीजिएगा, ठीक है। और देखो हिंदी वगैरह आता है उसमें, कोई बहुत कठिन नहीं है, बस मैथ तुम्हारा सही होना चाहिए, और जो उसका लोकल जीके पूछता है यूपी का, जो जैसे मान लो एक तो आपका नहीं, उसमें जो क्या है ना, इसमें लोकल जीके नहीं पूछेगा, इसमें नॉर्मल आपका वही टेट का वही नॉर्मल जीके यही सब पूछता है, ठीक है। जब आप नेपाल वगैरह के एग्जाम में बैठोगे तब वो लोकल जीके पूछता है, टेट का एग्जाम है ना, नॉर्मल जीके ही आपका आता है उसमें, ठीक है। मैथ सर, मैथ कैसा होगा, कैसे होगा मैथ के लिए? बाबू कल सर से एक वीडियो मैं करवा दूंगा, अब क्लास शुरू होने वाला है मैथ का, ठीक है, इसका डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच स्टेट है द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अंडर सोयाबीन कल्टीवेशन इन इंडिया, बताओ। सबसे अधिक सोयाबीन कल्टीवेशन कहां पे होता है जी? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। सोयाबीन की खेती सर्वाधिक कहां पे होती है? मध्य प्रदेश में। कहां पे? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छा शिवम यादव कह रहे हैं कि सर कल पेट का पेपर दिया था, अच्छा ये बताओ, कह रहा हिमालय का जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है भारत के किस राज्य में स्थित है? आसाम, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, एग्जाम में आया हुआ, गलत मत करना, बताओ। कंचनजंगा हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, किस राज्य में है, जल्दी बताओ। कहां पे जी? सिक्किम में, सी बिल्कुल सही जवाब, सिक्किम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कह रहा कि जो नदी ये आपकी ये सांगपो है, नदी सांगपो फ्लोइंग इन तिब्बत इंटर इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ। कह रहा है कि तिब्बत में जो नदी बहती है, जो सांगपो नदी है, ठीक है, बहने वाली नदी, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो जो है, ये आपके उसमें जब इंटर करती है इंडिया में, ये किस राज्य से होकर के इंटर करती है, कौन सी नदी है? ये तो आपको पता ही होगा कि सांगपो किसको बोलते हैं,
ठीक है, ये बस आपको ये बताना है कि ये किस राज्य से होकर के इंडिया में इंटर करती है, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर। नदी का नाम पता होगा तो भी बता देना, ठीक है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दो यार, सभी लोग क्लास को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, 40 लाइक है, कम से कम 50 प्लस तो करके जाना क्लास इंड होते होते, ठीक है। तो क्या होगा, किस राज्य से होकर के इंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, याद रखिएगा, एपी से, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से होकर के इंटर करती है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द इंडस रिवर, जबरदस्त क्वेश्चन, इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र। ये देखो, जो इंडस नदी है, ठीक है, इसकी लंबाई, सिंधु नदी की लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी के इतना ही है, क्योंकि ये सेम ग्लेशियर से निकलती है भाई, ठीक है, चेमांग चेमांग युंगडुंग नाम याद है ना, सेम ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो बता दो, इसकी ब्रह्मपुत्र इतना ही इसकी लंबाई है इंडस रिवर की, सिंधु नदी की, 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या 3300 किलोमीटर, नियर अबाउट कितना होता है, 2900 किलोमीटर, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। इन दोनों नदियों की लंबाई लगभग लगभग सेम है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू सेम नहीं है, लगभग लगभग सेम है, ठीक है, याद रखना। और दोनों सेम वही तिब्बत से चेमांगडुंग युंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, याद रखना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच रिवर फॉर्म्स कपिल धारा फॉल्स, ये शानदार क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, गलत मत करना, शानदार क्वेश्चन है। नर्मदा, ताप्ती, गोगक या सरावती, बताइए। कपिल धारा जलप्रपात जो है किस नदी द्वारा निर्माण किया जाता है, कपिल धारा जलप्रपात का, बताइए जल्दी, ये भी पता होना चाहिए कि ये है कहां पे कपिल धारा जलप्रपात, बताइए, ये है कहां पे, ये आपको पता होना चाहिए कहां पे है, राज्य बता देना, किस राज्य में है, बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है, किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, अमरकंटक के पास में, किस नदी से निकलती है ये भी तो बताओ ना, नदी बता दो, राज्य तो पता चल गया कपिलधारा जलप्रपात का, नदी कौन सी है जो इसको बनाती है, नर्मदा नदी, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, नर्मदा नदी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन कह रहा है, आर्मी चार ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द इंडो पाक बगलिहार प्रोजेक्ट सिचुएटेड, अरे जबरदस्त क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंडो पाक बगलिहार परियोजना है, ठीक है, प्रोजेक्ट है, ये किस नदी पर है आपका, सुतलज, झेलम या फिर जो है ब्यास, ये देखो ब्यास का डायमीटर बना दिया, ब्यास, ठीक है, या फिर चेन्नाब, बताओ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द इंडो पाक बगलिहार प्रोजेक्ट जो है सिचुएटेड, किस नदी पे है इंडो पाक बगलिहार परियोजना, नदी घाटी परियोजना है, गलत मत करना, अरे गधा कहेगा, चेन्नाब नदी है, कौन सी है, चेन्नाब नदी है, कौन सी है, चेन्नाब नदी, ठीक है, याद कर लेना, कौन सी नदी है जी, और ये कहां पे है, कहां पे है ये चेन्नाब नदी, बताइए कहां पे है, जल्दी बताओ, चेन्नाब नदी कहां पे है, गलत मत करना, बताइए कहां पे है, जम्मू कश्मीर में ना, चेन्नाब नदी पे जम्मू कश्मीर में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, अरे फिर क्या बात है, एक लड़का कह रहा है सर झारखंड में है, नहीं पंजाब में है, अरे इतना मार मारेंगे, पंजाब में कहां से जो है ये बगलिहार परियोजना आ जाएगा, इंडो पाक बगलिहार परियोजना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कह रहा है कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर जनरेशन स्टेशन कौन सा था, बताओ, नरोरार उत्तर प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, कालपक्कम तमिलनाडु या काकरापार गुजरात, गलत मत करना, बताइए,
ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका पूछा गया कई बार। इंडिया का पहला न्यूक्लियर, ये सिर्फ आपके मैं बता दूं नेवी और कोस्ट गार्ड का क्वेश्चन नहीं है, एसएससी से लेकर के ठीक है रेलवे तक के सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर जनरेशन स्टेशन कौन सा था, पता है, गलत मत करना। सो दैट इज तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है याद रखना, तारापुर न्यूक्लियर पावर जनरेशन स्टेशन महाराष्ट्र, ठीक है, ये सबसे पहला आपका भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन जनरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी, या बताओ कि कावेरी नदी पे स्थित कौन सा शहर है कावेरी नदी के तट पे, तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बेंगलोर या हैदराबाद, गलत मत करना। तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बेंगलोर, हैदराबाद, वाह 27 का भी लग रहा है, मैसूर का टिप्पू सुल्तान के जो है वंशज हो, है मैसूर वाले टिप्पू सुल्तान के लग रहा वंशज हो, इसीलिए मैसूर लगा रहे हो, बहुत मार मारेंगे। तिरुचिरापल्ली में ये कावेरी नदी के किनारे ये तिरुचिरापल्ली जो है सिचुएटेड है, और तिरुचिरापल्ली है क्या, तमिलनाडु का एक जिला है, ठीक है याद रखना। सर टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, बस मार्कशीट है, क्या करें, अरे नहीं है तो हो जाएगा सब हो जाता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तिरुचिरापल्ली आपका जो है कोई दिक्कत नहीं है भाई, मार्क्स वो बाद में भी दे दोगे, जमा कर दोगे जब मिलेगा तो भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है तो याद रखना ये तमिलनाडु का एक जिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, वेयर इज भील ट्राइब फाउंड, ये शानदार क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में, असम, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, भाई गलत मत करना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, भील जनजाति से संबंधित कई क्वेश्चन कोस्ट गार्ड के अंदर पूछे गए हैं, अगर नहीं आपको विश्वास है तो जो पुराने कैंडिडेट हैं उनसे पूछ लीजिए, उनको पता होगा, ठीक है गलत नहीं होना चाहिए, अगर किसी का भी गलत हुआ तो सच में मार तो पड़ेगी। बताओ सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैं फैन हूँ आपका। अच्छा देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, कभी कभी एक बार तो क्वेश्चन पूछ लिया था कि सबसे बड़ी जनजाति के नाम से, ठीक है ये इसी तरह करके पूछा हुआ था, जो भील वाला पूछा हुआ था, तो ये जो भील जनजाति है ये महाराष्ट्र की जनजाति है, ठीक है याद रखना, सबके सब गलत किए, अरे भेड़ की चाल चलते हैं सब यार, देख सब गधे भेड़ की चाल चलते हैं, सबके सब किसी का भी नहीं सही हुआ, सब आसाम बोल रहे हैं, कोई झारखंड बोल रहा है, महाराष्ट्र की जनजाति है ये भील जनजाति, ठीक है तुम तो सोच लिए कि महाराष्ट्र जैसे जो है मतलब थोड़ा हाई फाई जो आपका ये वो महाराष्ट्र वो है तो यहाँ पे कोई आपका नहीं होगा, है यहाँ पे कोई जनजाति नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई, भील इस समय जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है बाबू, भील, फिर उससे छोटी जनजाति है गोंड, थोड़ा पढ़ लो यार, गोंड से छोटी जनजाति बताओ संथाल, थोड़ा पढ़ लो, ये तीनों याद रखना, पहली सबसे बड़ी जनजाति भारत की भील, दूसरी गोंड है, तीसरी संथाल है, ठीक है समझ गए ना, ये तीनों याद रखना, भील, गोंड और संथाल, ये तीनों जो है नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, ये देश की तीन सबसे बड़ी जनजातियां हैं, ठीक है याद रहेगा ना, ये भील जो है याद रखना महाराष्ट्र का एग्जाम में पूछा गया भाई, भील जनजाति हमेशा पूछता है, गलत की हो इसीलिए इस क्वेश्चन पे मैं रुका हूं, नहीं तो आगे बढ़ गया होता, अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, इतना बार ये क्वेश्चन करा चुका हूं फिर भी गलत कर रहे हो। चलो विच इज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन टर्म्स ऑफ लेंथ इन द कंट्री, बताओ NH-45A, NH-47A, NH-52A, NH-1A, गलत मत करना, अब तो इससे भी छोटी वो बन गई है, ठीक है नेशनल हाईवे बन गया है, लेकिन करंट अभी भी स्टैटिक जीके में यही पूछेगा, क्योंकि वो करंट के क्वेश्चन है वो नहीं पूछता, स्टैटिक में अगर सबसे छोटा अगर नेशनल हाईवे पूछता है ना तो इन्हीं सब का नाम रहेगा, बताओ जो पुराना वाला है उसी का नाम रहेगा, जल्दी बताओ, गलत मत करना, कमेंट करिए बताओ भाई, बताइए, क्लास को एक बार लाइक कर देना, सभी से रिक्वेस्ट है, तभी से रिक्वेस्ट है, एक बार क्लास को एक बात बताओ, आज इतने ज्यादा कैंडिडेट क्लास पे जो है लेकिन फिर भी क्लास पे 50 लाइक आज पूरे नहीं हुए हैं,
रोज 70-80 हो जाते थे, ठीक है। तो बताओ ये देखो, अभी भी एक ऐसा नेशनल हाईवे बन चुका है, ठीक है, जो ये जो सबसे पुराना वाला जो शॉर्टेस्ट है ना, जिसके बारे में हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इससे भी छोटा नेशनल हाईवे बना है। ये तो देखो नियर अबाउट समथिंग 5.9 किलोमीटर का है, ठीक है, लेकिन एक आपका बन गया है, ठीक है, नेशनल हाईवे जो सिर्फ 5 किलोमीटर का है, ठीक है, याद रखना। बताइए, गलत मत करना, मैं देखना चाहता हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, गलत मत करना, सिर्फ 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें कंफ्यूज हो तुम सब, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, इसमें सब के सब कंफ्यूज हो, जल्दी बताओ। इसमें सब के सब कंफ्यूज हो, गलत कर रहे हो, बताइए। सबके सब कंफ्यूज हो, गलत कर रहे हो, बताओ जल्दी बताओ। NH-47, NH-45A, NH-52A, NH-1A, बताओ। इस समय प्रेजेंट में, ठीक है, याद रखना, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, NH-1A आपका जो है, ये भी NH-47 जो तुम कह रहे हो तुम लोग, ये भी शॉर्टेस्ट है, लेकिन NH-1A, ठीक है, याद रखना, ये शॉर्टेस्ट है, और इससे भी छोटा एक बन चुका है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, जिसका लेंथ सिर्फ 5 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो NH-1A अभी फिलहाल जब एग्जाम में पूछेगा, NH-47A नहीं लगाओगे, अभी फिलहाल एग्जाम में NH-1A लगाओगे, एग्जाम में अगर पूछता है तो, ठीक है, NH-1 लगाओगे एग्जाम में, अगर पूछता है तो ये लगाओगे, नेशनल हाईवे 1A, ठीक है। नहीं, सब नहीं बताया है, सब NH-47 NH-45 किए हैं, एक बार ऊपर जाके देखो ना, ऊपर एक बार जाके देखो, कोई नहीं बताया NH-1A, कोई नहीं बताया है, सब NH-47 पे लगे पड़े हैं। NH-47 नहीं बाबू, देखो NH-1A का जो लेंथ है टोटल 5.9 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन अभी एक और हाईवे आपका बना हुआ है, ठीक है, नेशनल हाईवे है आपका जो महाराष्ट्र के अंदर है, सिर्फ 5 किलोमीटर उसका लेंथ है। उसका नाम मैं बता दूं, उसका नाम क्या है, बताइए, नाम जानना है उस नेशनल हाईवे का, मैं नाम बताऊं जो महाराष्ट्र में है आपका, नेशनल हाईवे 548 करके है, ठीक है, नेशनल हाईवे 548 करके, जिसका लेंथ सिर्फ और सिर्फ कितना है बाबू महाराष्ट्र के अंदर है, सिर्फ 5 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो, और इस पर उंगली मत उठाना, ये सब जो है विकिपीडिया का कंटेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कह रहा कि ये दोनों याद रखना, NH-1A आपका सबसे स्मॉलेस्ट में, और अगर करंट में पूछेगा तो NH-548A लगाना, ठीक है। चलो, कह रहा कि ना, क्योंकि वो पूछता है यार, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कराया था, बता तो दिया NH-548A, ठीक है। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी बताओ किस राज्य में है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, गलत मत करना। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, सो दैट इज इन गुजरात, बिल्कुल सही, ठीक है, कहां पे, गुजरात में। क्लास बाबू आज थोड़ा सुबह चालू किया है हमने, क्योंकि देखो दिक्कत क्या है ना, क्लास इसलिए सुबह चालू किया क्योंकि 1 बजे से मुझे थोड़ा कहीं जाना था, कुछ काम था, और फिलहाल के लिए तो अब क्लास आज मैंने सुबह करा दिया, लेकिन कल 1 बजे ही आएगा, ठीक है, कल से 1 बजे ही आएगा, ये आंसर सही हो जाएगा, गुजरात। और एक चीज बता देता हूं, अगर आप लोग क्विज नहीं करते तो डेली 8 बजे टेलीग्राम पे क्विज जरूर अटेंड करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्विज नहीं अटेंड करते हो तो क्विज जरूर करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्विज हो रहा है। और क्विज के साथ साथ 20 अक्टूबर को महापीडीएफ 2.0 आ रहा है, उसको भी ध्यान रहे उस पर भी, ठीक है।
चलो व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ जागर गुरसप्पा फॉल्स, ये बता दो। ये शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू के नाम से मैं आपको ये छोड़ता हूँ। कह रहा है कि जोग फॉल जो है ना, या फिर गुरसप्पा फॉल जिसको बोलते हैं, इसका दो नाम है, इसका एक और नाम, नया नाम है, क्या नाम पड़ा है ये आपको कमेंट करके बताना है। जो एग्जाम में ये पूछा गया है, एग्जाम में ये पूछा गया, ये क्वेश्चन कोस्ट गार्ड के अंदर का है, ठीक है। सरदार पटेल फॉल, महात्मा गांधी फॉल, जवाहरलाल नेहरू फॉल या इंदिरा गांधी फॉल्स, ठीक है। सरदार पटेल जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात, इंदिरा गांधी जलप्रपात, ये एग्जाम में पूछा गया। गलत मत करना भाई, गलत कर दोगे तो वो आप पे वो होगा कि पता नहीं होगा तो, ठीक है। इसका बताओ कितने लोग चाहते हैं इसका आंसर बता दूं, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। बताइए कितने लोग चाहते हैं किसका नाम मैं बता दूं, बताओ कमेंट करो, कितने लोग चाहते हैं इसका आंसर बता के जाऊं क्वेश्चन फॉर यू का। महापीड़े बाबू 20 अक्टूबर को आ रही है, इंतजार करो। बता दें महात्मा गांधी फॉल्स नाम है, ठीक है, याद रखना। क्या नाम है? महात्मा गांधी जलप्रपात नाम है इसका, ठीक है। जोग फॉल या गर्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका वो जलप्रपात है, जोग फॉल हमेशा पूछता है, ठीक है। नया नाम इसका महात्मा गांधी जलप्रपात है, बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने बताया था। बहुत सारा प्यार आप सभी को, ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा एक चीज मैं बता देता हूँ, सिर्फ जो मॉक टेस्ट करा रहा हूँ जिन सब्जेक्ट को टारगेट करके, वो तो ठीक है, वो मैं आपको निकलवा दूंगा, ठीक है। और महापीडीएफ भी आप पढ़ लोगे, उसमें भी आपका साइंस और जो है जीके आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इंग्लिश के आप टेस्ट सीरीज लगा लोगे, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस सेट जो उसमें मिल रहा है आपको 15, रीजनिंग के जो 12 सेट मिला है वो सब कर लोगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैथ पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, डिटेल और प्रैक्टिस जहां से भी मिले ना करते रहो। क्योंकि देखो मैं चाहता हूं आपका हर एक सब्जेक्ट स्ट्रांग रहे, जब हर एक सब्जेक्ट स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि पहले सेक्शन में बाबू 60 नंबर में जो है आपका 48 नंबर तक जो है फाइनल कट ऑफ लगा है ओबीसी वालों का, 53-54 नंबर तक जो है, 53-54 नंबर तक फाइनल कट ऑफ लगा है जनरल वालों का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ी मेहनत करो मैथ पे, मैथ आपका कम से कम मैथ में आपका 18-19 नंबर रहना कंपलसरी है, इतना लेकर के आना ही आना है, कुछ भी करके 17-18 नंबर तो मतलब 100% मैथ में चाहिए, ठीक है। महापीडीएफ हाँ पढ़ सकते हो, साइंस हाँ महापीडीएफ पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब भी समय मिले क्लास भी देख लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे मान लो एक आध क्वेश्चन जो दिमाग पे नहीं चढ़ा, जो मैंने क्लास में कराया हो और वही आ जाए, ठीक है, जो महापीडीएफ में ना दे पाया हूं, तो ऐसा होता है ना, जो क्वेश्चन छूट जाते हैं जो महापीडीएफ में ना हो वो क्लास में मिल जाता है, तो ये फायदा हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, आप सभी को बहुत सारा प्यार, और फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए बाय।